तो हेलो गाइस, कैसे हो? सावा चौक। ठीक है, तो आज हमारे पास फिट्रॉनिक्स का एक माई बडी एयर टू नाम का एक ट्विन कूलिंग पैड है। बेसिकली ये है ना लैपटॉप के लिए है कि विमर्श में हमारा जो लैपटॉप है काफी हीट करने लगता है जब हम उस पर काफी ही सॉफ्टवेयर एक साथ चलाते हैं। तो उसके लिए मेरे को ये इंटरनेट में मिला तो मुझे चाहिए भी था। और ये कितने का पड़ा मेरे को मैं सब बताऊंगा। और ये 15 इंच तक के लैपटॉप के लिए कंपेटेबल है, अगर उससे बड़ा तो भी चल जाएगा, बस ये जो बाउंड्रीज है ना उसके बाहर चला जाएगा तुम्हारा लैपटॉप। और अगर इसके बैक में दिखाऊं तो देखो कुछ इस टाइप का हमारा ये इस टाइप का होगा। और 1 ईयर वारंटी मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। जो पिट्रॉनिक्स, मैंने काफी इसके प्रोडक्ट ट्राई किए, और तो मेरे पास पिट्रॉनिक्स का ये वाला स्टैंड भी पड़ा है, तो ये भी काफी अच्छा है। बताता हूँ इसके बारे में भी और क्या इससे ये अलग रहा वो भी बताता हूँ। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइम मिलती है इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन। ओके, इसको रखते साइड में। ये आ गया हमारा गाइस कूलिंग पैड। इसके साथ मुझे ये क्या है, आई थिंक ये फोन स्टैंड है लाइक दिस। यूएसबी टू यूएसबी केबल, इसको आप लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे तब इसके कूलिंग फैंस चलेंगे। ये काफी अच्छी चीज लगी। लाइटनिंग है। चलो इसको साइड रखते हैं, मेन प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं। तो देखो गाइस, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो अगर मैं बोलूँ इसकी क्वालिटी को देख के, तो ये मेटल का है यार, जो कि काफी अच्छी बात है। ये जो ये नेट की जाली में हुए है ये मेटल है, और साइड फ्रेम इसके प्लास्टिक, जो अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और ये मिलते हैं हमें इसको ग्रिप होल्ड करने के लिए, और यहाँ पे रबर के कुशन लगे हुए हैं जिससे हमारा लैपटॉप में बेसिकली स्क्रैच नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये भी है, अच्छी बात है यार, होना चाहिए। और यहाँ पे पेट्रोनिक्स का लोगो देख सकते हो। ठीक है, फैंस इसमें हमें दो मिलते हैं, काफी बड़े हैं यार फैंस की। अगर मैं साइज की बात करूं तो काफी इतना, देखो जैसे यहां से लेके यहां तक फैन का अराउंड एरिया पूरा, तो दो फैंस मिलते हैं हमें इसमें। बैक की बात करूं तो आप देख सकते हो फैन लाइक दिस, अगर आपको दिख रहा हो फैंस। और अगर इसकी मोटर की बात करूं, आरपीएम की मोटर है भाई, मतलब 1000 RPM की स्पीड दे सकते हैं ये दोनों फैंस की बात कर रहा हूँ। और एक चीज और, इसका यूएसबी कहाँ लगता है देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, मैंने इसको ओपन कर दिया लाइक दिस, तो काफी अच्छा रहता है यार। और इसकी ग्रिप बोलूँ ना, लैपटॉप को खाली काफी बैलेंस करके रखी है ये, तो काफी चीज है। अब इसको ट्राई करते हैं हम लैपटॉप रखे। तो गाइस, जैसे मैंने लैपटॉप में एक इसका एक यूएसबी पोर्ट लगा दिया, अब मैं एक पोर्ट यहाँ पे लगा रहा। तो जैसे ही मैंने लैपटॉप ऑन किया तो इसको पावर सप्लाई मिलनी शुरू हो गया, और अगर मैं इस पे हाथ रखूँ तो काफी सही एयर आ रहा है। आप अगर देखना चाहो, अगर मैं आपको फैन की लाइटनिंग दिखाऊं तो ये देखो, अब देखो गाइस, आप देख सकते हो, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि आप कितने ही बड़े साइज के फैन है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लो। तो गाइस, मैंने इसको अराउंड, मैंने हैवी टास्क किया, मैंने इस पे वीडियो एडिटिंग की, एक साथ ही कोड रन किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स किए, काफी हैवी टास्क किया। और जब मेरा पहले की कंपैरिजन मेरा लैपटॉप, उससे बहुत कम हीट हुआ। और आपको भी पता है कि लैपटॉप में एक इनबिल्ट फैंस होते हैं जो कि तब चलते हैं जब लैपटॉप पे हैवी लोड पड़ जाता है, बट मेरे लैपटॉप का फैन ही नहीं चला क्योंकि इसको एक्सटर्नल फैन ने, जो ये लगा रखा है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ से, तो इसने इसको कूलिंग दी, जिस वजह से इसको काफी बेटर और मुझे भी अच्छा परफॉर्मेंस मिला इससे। और ये देख सकते हो इसका स्टैंड है जो कि निकल जाता है, अगर मैं निकालू तो देखो ऐसे, और ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पे फोन भी रख सकते हो। ठीक है, तो मुझे ये प्रोडक्ट ठीक लगा, नो डाउट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मेरे पास ये वाला भी है जो कि पिट्रॉनिक्स की तरफ से ही आता है, ये जो कि एक मतलब प्लास्टिक की बॉडी है इसकी सारी, पर प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, कि मेरे लैपटॉप को ये भी बहुत सपोर्ट करता है। तो अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो ये मेरे को कुछ इंटरनेट पे कुछ 250 का पड़ा था, मतलब 250 रुपीज का, जो कि मेरे को काफी हैंडी है। अगर मैं इसको कहीं ट्रैवल के टाइम लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसको इजिली कैरी कर सकता हूँ। बट इसको अगर देखूँ इसकी एज कम्पेयर टू इसको, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी है, और इसके लिए अलग से एक मेरे को बैग कैरी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा प्राइसिंग की बात करूँ तो ये मेरे को अराउंड 250 का पड़ा था, और ये मुझे क्रेडिट ऐप पे मिला था, तो ये मेरे को अराउंड पड़ा था 580 रुपए का। तो इस प्रोडक्ट में मतलब इसका 2 गुना ये प्राइस पड़ा, तो मैं बोलूंगा यार ठीक है, क्योंकि इसमें फैन भी मिलता है, ड्यूल फैन मिलता है विद लाइटनिंग के साथ, एक मोबाइल स्टैंड भी मिलता है जो कि आप काफी हैंडी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लेना हो तो दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका भी और इसका भी। अगर लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजोन फ्लिपकार्ट क्रेडिट ऐप का भी, और वहां से जाके ले सकते हो। ठीक है, इनकेस किसी की क्यूरी हो और किसी को अगर किसी और प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करवाना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, मैं उसका भी देख लूंगा, हो सके तो रिव्यू कर दूंगा। ठीक है, ऑर्डर करके। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। सी यू।